ज्यादा दिनों तक लोग ऑक्सीजन थेरेपी पे रहते हैं, उनका आप लोगों ने देखा होगा कि ऑक्सीजन जो डिवाइस आती है वो एक पानी की बोतल के थ्रू होके आती है। पहले ऑक्सीजन पानी की बोतल में जाती है, फिर वहां से निकल के पेशेंट के नाक में और मुंह में आती है। तो ये पानी की वजह से आजकल एक नई बीमारी शुरू हो गई है, फंगस जिसको कहते हैं ब्लैक फंगस, और बीमारी का नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। ये ब्लैक फंगस क्या होता है कि ज़्यादा दिन तक वो बॉटल अगर ऐसी ही लगी रहती है, पानी उसमें हम नल का पानी इस्तेमाल कर लेते हैं या अंडरग्राउंड वाटर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उससे उस बॉटल में फंगस बन जाती है और वो फंगस बाद में हम लोगों की नाक और मुंह में आ जाती है बॉटल के थ्रू। और उसके बाद लोग जब कोविड से ठीक हो जाते हैं तो इस फंगस की वजह से लोगों की डेथ हो रही है। ये अगर आपने ध्यान दिया हो तो अभी एक पेपर में भी आया था कुछ के अटॉप्सी के बाद पता लगा है उन लोगों को कि इस फंगस की वजह से एक सडन डेथ जिसे कहते हैं 2 या 3 दिन के अंदर अंदर कोविड से रिकवर होने के बाद हो रही है। ये फंगस पहले आंखों में जाती है, आंखों में उसकी बीमारी की वजह से एकदम आईसाइट लो हो जाती है और उसके बाद आंखों से फिर ये फंगस ऊपर दिमाग में चली जाती है और सडन डेथ हो जाती है पेशेंट की। तो इसका इलाज क्या है? सबसे बढ़िया तरीका इसका, सबसे आसान तरीका है कि जो बॉटल पानी की होती है उसको स्टराइल रखना चाहिए, उसको हर दूसरे दिन तीसरे दिन धो के अच्छे से साफ करके उबाल लें या उसको किसी स्प्रिट से या किसी से स्टराइल कर लें। जो पानी इस्तेमाल करें उसमें वो पानी डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए, और अगर डिस्टिल्ड वाटर नहीं मिलता तो मिनरल वाटर कम से कम इस्तेमाल करें। उस पानी को उस बॉटल में ज़्यादा दिन तक ना रहने दें, उसको हर रोज़ उसको पानी को फेंक के बॉटल को साफ करके नया पानी भरें बॉटल में। और इन सब बड़े छोटे छोटे सी चीज़ों से आप जो है बड़े आराम से अपने आप को इस फंगस से बचा सकते हैं, क्योंकि ये फंगस आजकल ज़्यादा घातक साबित हो रही है कोविड की बजाय। कोविड से आदमी रिकवर कर जाता है लेकिन इस फंगस की वजह से आदमी जो है बाद में सडन डेथ हो जाती है। और इस फंगस का एक ही इंजेक्शन है जो कि अभी अवेलेबल है, और वो दिया जाता है 5 ml पर kg के हिसाब से। जैसे मान लो अगर 60 किलो का आदमी है तो उसमें 300 ml लगेगा, अगर 80 किलो का आदमी है तो उसमें 400 ml लगेगा। लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी अभी इतनी बहुत नहीं है कि जिससे हर एक को मिल सके ये, तो इसलिए बेहतरी इसी में है कि हम इसमें बचाव रखें, पानी को साफ रखें, बोतल को साफ रखें और इस फंगस को होने ही ना दें। इसके फंगस को देखने का भी एक तरीका है कि अगर आप देखेंगे पेशेंट के नाक में मुंह में तो आपको हल्के हल्के ब्लैक स्पॉट्स दिखाई पड़ेंगे। जैसे ही ये ब्लैक स्पॉट्स दिखाई पड़ें तो आप समझ लीजिए कि ये ब्लैक फंगस है और इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। इसका इंजेक्शन जो है एक ही बार लगता है, एक ही बार के इंजेक्शन लगने से ये ठीक हो जाती है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि अपने मरीज को जिसको ऑक्सीजन चल रही है, ज़्यादा दिनों तक चल रही है, उसके नाक में कान और मुंह में बराबर देखते रहें कि कहीं पे कोई ब्लैक स्पॉट्स तो नहीं आ रहे हैं, और अगर कहीं भी ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं तो मान के चलें कि ये ब्लैक फंगस का अटैक है और ये बहुत ही घातक हो सकता है। पानी की बोतल को स्टराइल करें, हर रोज़ नया पानी भरें, हर रोज़ बोतल को साफ करें, हर दूसरे तीसरे दिन पूरी अच्छी तरीके से उसको स्टराइल करें। ये सब प्रिकॉशन लेंगे तो इससे बचाव हो सकता है, नहीं तो ये एक कोविड के बाद बहुत ही भयानक बीमारी है जिससे सडन डेथ हो रही है लोगों की। कोविड से रिकवर हो जाते हैं और 2-3 दिन के अंदर अंदर उनकी डेथ हो जाती है।